कहने को तो मोहनगढ़ में नल जल योजना है, मगर नल कभी कभार ही आते हैं। इस कारण कस्बा वासी बुन बुन पानी को मोहताज हो रहे हैं। मजबूर होकर ग्रामीण सालों से कचरा घर बने कुओं की स्वयं सफाई कर रहे हैं। कुछ युवक कुएं के अंदर उतरकर बाल्टियों से कचरा भरते हैं और कुछ युवक बाल्टी खींचकर कचरे को बाहर फेंक देते हैं, जिसमें कुआं कचरा मुक्त हो जाए और मोहल्ले वालों को पानी का प्रबंध हो सके। ग्रामीण शकील खान, रहीम खान, कल्लू, जयप्रकाश अवस्थी, रहीम खान, जगदीश केवट ने बताया कि हम लोगों ने कई बार पानी की समस्या के बारे में प्रशासन को अवगत कराया, मगर इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया और ना ही कुओं की सफाई की। हम लोगों को प्रशासन से किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिल रहा है। मोहनगढ़ से अभ्य शुक्ला की रिपोर्ट। सर आपका नाम? हमारा नाम रहीम खान। सर मैंने जैसे अभी सुबह से देखा कि आप लोगों ने आजाद चौक मोहल्ले वासियों ने एकत्रित होके कुएं की अंदर की कचड़े की सफाई कर रही थी, आप लोगों को क्यों करनी पड़ी सफाई? जी हमारे मोहल्ले में पानी की बहुत समस्या है और नल कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, इस वजह से काफ़ी परेशानी हो रही पानी की, तो सरपंच से और प्रशासन से इसकी सफाई के लिए कहा गया था लेकिन उन्होंने नहीं किया, तो हम लोग मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए और कुओं की सफाई कर रहे हैं। अच्छा, जिससे पानी उपलब्ध, इसमें आपको प्रशासन ने किसी प्रकार की मदद की क्या? जी अभी तक कोई मदद नहीं की, अभी लोग हम मोहल्ला वाले सब इकट्ठे होके उसी का साफ कर रहे हैं, पूरे कुआ कचरा और उसको मतलब साफ सफाई में लगे हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।